गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में इन्वेस्टमेंट अकाउंट का एक प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट इन शेयर का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को समझ में आएगा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2017 एक्स वाई लिमिटेड के पास 15,000 इक्विटी शेयर है एबीसी कंपनी का। बुक वैल्यू 15 रुपया है जबकि फेस वैल्यू 10 है। 1 जून को कंपनी 5,000 शेयर परचेज कर रहा है फॉर 1 लाख। 5,000 शेयर 1 लाख खरीदा मतलब 20 रुपया करके खरीदा। एक बार देखिए, कम राइट बेसिस कहने का मतलब जो राइट शेयर मिलेगा इस शेयर पे भी मिलेगा, क्योंकि हम लोग कम राइट बेसिस परचेज कर रहे हैं। अगर राइट शेयर परचेज ना करके उसको बेच दिया जाए इंटाइटलमेंट को, तो दैट रिसीट शुड बी कैपिटल रिसीट क्रेडिटेड टू कॉस्ट कॉलम। एबीसी देखिए, यहाँ बोनस हो रहा है। बोनस डिक्लेयर हुआ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 शेयर है, जुलाई का डेट में है। मेरे पास 15,000 शेयर था, 5,000 खरीदे थे 20,000, यहाँ 1/5 मिलेगा तो 4,000 शेयर हमको बोनस मिलेगा जुलाई में। राइट शेयर देखिए सितंबर में है तो 4,000 शेयर ऐड कर देंगे तो अपने पास 24,000 शेयर हो गया। राइट शेयर है 1/6, 4,000 राइट शेयर मिलेगा। ओके, 20% प्रीमियम है। राइट और बोनस पे कोई डिविडेंड नहीं होगा, यहाँ लिखा हुआ है। डिविडेंड दे रहा है 20% 31 अक्टूबर। देखिए, टुक आधा राइट शेयर लिए हैं, जो राइट शेयर हम लोग को मिला उसमें हाफ लिए, हाफ नहीं लिए हैं। आधा को हम लोग 8 रुपया करके बेच दिए हैं। जो राइट शेयर खरीद बोला है सोल्ड हाफ ऑफ द शेयर 1 जनवरी 2018 में हमारे पास जो शेयर था उसका आधा शेयर 16 रुपया 50 पैसा करके बेच देंगे, 1% ब्रोकरेज होगा। तो हमारे पास 15,000 शेयर था, 4,000 बोनस मिला 24,000 और 2,000 राइट शेयर परचेज किए 26,000। 26,000 का आधा 13,000 शेयर 1% ब्रोकरेज पर बेच देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ऑफ एबीसी लिमिटेड। हमारे पास 1 अप्रैल 2017 15,000 शेयर है। 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस 15,000 शेयर है, उसका बुक वैल्यू 15 रुपया ही है 225,000। ठीक है, 1 जून को हम लोग 5,000 शेयर खरीदे हैं 1 लाख रुपया में। 1 जून टू बैंक 5,000 शेयर परचेज किए हैं, कॉस्ट 1 लाख। ये जो शेयर परचेज किए हैं इसमें लिखा हुआ है कम राइट बेसिस। बोनस शेयर है 1 इक्विटी शेयर फॉर 5 शेयर हेल्ड, तो 1 नंबर वर्किंग करते हैं। बोनस शेयर हम लोग के पास 20,000 शेयर है, 1/5 4,000 शेयर। बोनस शेयर का आपका डेट है 1 जुलाई 1/7/17 टू बोनस शेयर 4,000 बोनस शेयर। ओके, इसके बाद राइट शेयर है 1 सितंबर को, राइट शेयर है 1 फॉर एवरी 6 शेयर हेल्ड। हम लोग के पास 24,000 शेयर हो गया तो राइट हम लोग को 24,000 पे मिलेगा राइट शेयर। टोटल नंबर ऑफ राइट्स 24,000 1/6 4,000। 2,000 राइट हम लोग बेच देंगे, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2,000 राइट शेयर हाफ टेक ओवर होगा। राइट शेयर परचेस्ड 4,000 का हाफ 2,000, परचेज कॉस्ट 2,000 इंटू प्रीमियम था राइट शेयर का 20 रुपया तो 12। यहां राइट शेयर परचेज कर लेते हैं हम लोग 1 सितंबर
टू बैंक 2024,000। तो यहाँ आप देखो राइट शेयर था 4,000, हम लोग परचेज किए 2,000, तो सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट हाफ परचेज किए हैं तो हाफ सेल किए 2,000। सेल वैल्यू 2,000 इंटू 8 रुपया बोला हुआ है 16,000। सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट ईच कैपिटल रिसीट एंड क्रेडिटेड टू कॉस्ट कॉलम बिकॉज द शेयर वाज परचेस्ड ऑन कम राइट बेसिस। वो हम लोग जो शेयर परचेज किए थे वो कम राइट बेसिस में परचेज किए थे, इसलिए राइट का जो सेल वैल्यू मिला वो मेरे लिए कैपिटल रिसीट है, कॉस्ट कॉलम में क्रेडिट कर देंगे। ये जो 16,000 मिला ये कैपिटल इनकम है, कॉस्ट कॉलम में क्रेडिट कर दिया जाएगा। डिविडेंड 20% मिलेगा। तो मेरे पास ये पुराना शेयर था, ये नया शेयर था, पुराना वाला डिविडेंड पोस्ट डिविडेंड, नया वाला प्री डिविडेंड। पोस्ट डिविडेंड 15,000 शेयर, फेस वैल्यू 10, डिविडेंड का रेट 20%। प्री डिविडेंड 5,000 शेयर, फेस वैल्यू 10, डिविडेंड 20%। यह आ गया आपका 30,000, यह आएगा 10,000। प्री डिविडेंड रिसीव्ड ईच कैपिटल रिसीट्स क्रेडिटेड टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, डिविडेंड पाने का डेट था आपका 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर बाई बैंक अकाउंट इनकम 30,000, प्री डिविडेंड 10,000। और एक ट्रांजेक्शन है कि बोला है वो 1 जनवरी को उसके पास जो शेयर है उसका हाफ बेच देगा। आप यहां देखो 15, 5, 20, 24, 26,000 शेयर है तो हाफ 13,000 शेयर बेच देगा। 26,000 हो रहा है टोटल, हाफ 13,000 बेच देगा। तो इसका मतलब हुआ 31 मार्च को उसके पास हाफ 13,000 बच जाएगा। और जो 13,000 बेचेगा वो 16.5 करके बेचेगा, 1% ब्रोकरेज है, उसको आप एक बार देख लो। सोल्ड हाफ ऑफ इट शेयर होल्डिंग ऑन 1 जनवरी 2018 16.50 ब्रोकरेज 1%। ठीक है, तो इसका वर्किंग कर देते हैं आपको। फर्स्ट जनवरी सेल, सेलिंग प्राइस 13,000 शेयर बेचेगा 16.5 माइनस ब्रोकरेज 1%। 16.5 करके बेचेगा और उसमें 1% ब्रोकरेज भी बोला हुआ है तो सेल प्रोसीड्स आया 214,500। 212,355, 212,355, 212,355, ये हो गया सेल।
ओके, तो इसको ले आते हैं बाई बैंक 212355। क्लोज करेंगे, 13,000 शेयर का वैल्यू कैलकुलेट करना है, टोटल कॉस्ट 349 माइनस ये दोनों होगा सेल ऑफ राइट प्री डिविडेंड, टोटल नंबर ऑफ शेयर 26,000 हाफ 13,000, तो उसका वर्किंग करते हैं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट टोटल कॉस्ट माइनस प्री डिविडेंड माइनस सेल ऑफ राइट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। टोटल कॉस्ट इज 349,000, टोटल नंबर ऑफ शेयर 26,000, क्लोजिंग हाफ 13,000, 174,500। सॉरी कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है, यहाँ हम लोग माइनस करना भूल रहे हैं, लिखे हैं प्री डिविडेंड 10,000, सेल ऑफ राइट 16,000, इसको माइनस करेंगे उसके बाद हाफ करेंगे तो ये हो गया 393, तो 161,500, ठीक है, ये हो गया क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसको ले आते हैं 161,500। अब इसको क्लोज करेंगे 31 मार्च टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तो क्लोज हो गया था 26,26, ये 30,000 था, ये 30,000, ओके। अब यहाँ जोड़ते हैं 855, थ्री नाइन्टी नाइन एट डबल फाइव, ठीक है, तो ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट। सेल ऑफ राइट इंटाइटलमेंट कैपिटल रिसीट से, प्री डिविडेंड तो कैपिटल रिसीट होता ही है, बोनस शेयर था, मिस्टेक यहाँ हो रहा था क्लोजिंग वैल्यू निकालने में, टोटल कॉस्ट था माइनस प्री डिविडेंड माइनस सेल ऑफ राइट डिवाइडेड बाय टोटल इनटू अनसोल्ड 161,500, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।